एमपी देख रहे हैं आप और मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पोस्ट से सियासत गर्मा गई है। उमंग सिंघार ने लिखा, बीजेपी की दलाली करने वाले कलेक्टर अधिकारी कांग्रेस के रडार पर हैं। उमंग सिंघार ने लिखा कि कलेक्ट्री करना है तो जनता की सेवा करनी होगी और ये पोस्ट नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का आया और उनका सीधा आरोप अफसरशाही पर। उनका कहना है कि जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, बहुत ही तीखे शब्द और सीधा हमला अधिकारियों पर, और उनका ये कहना है कि अधिकारी बीजेपी की दलाली जो कर रहे हैं वो कांग्रेस के रडार पर है, और उन्होंने कहा कि कलेक्ट्री करना है तो जनता की सेवा करनी होगी। और अधिकारियों को रडार पर लेने को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी पलटवार किया। वीडी शर्मा ने कहा, कांग्रेस इसी तरह के भाव से काम करती रही है। वीडी शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार में दलाली होती रही, इसलिए इन्हें यही दिखाई देता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की संवेदनशील सरकार है। उन्होंने कहा कि कोई भी गलत काम करेगा तो कार्रवाई होगी ही। वीडी शर्मा भोपाल में संत हिरदाराम जी के अवतरण दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहां पहुंचे थे। कांग्रेस अधिकारियों से इसी प्रकार के भाव के साथ काम कराती रही है तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ऐसा ही होता हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है श्रीमान जी। उमंग सिंघार जी, मुझे याद है कि जब कमलनाथ की सरकार थी तो उमंग सिंघार ने क्या कहा था, क्या इस देश मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा दलाल कौन है? रामेश्वर जी, दिग्विजय सिंह। सबसे बड़ा दलाल दिग्विजय सिंह कौन बता रहा था? उमंग सिंघारी ने, तब ये उस समय कैबिनेट के मंत्री थे, और इन्होंने कहा था कि सरकार को पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ है, सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। किस प्रकार से शराब माफिया मध्य प्रदेश का कोई सबसे बड़ा है तो दिग्विजय सिंह है। किसने कहा था ये? यही उमंग सिंघार ने कहा था। तो इनकी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में दलाली ही होती रही, बल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया था, ये परसेप्शन था। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी वासु चौरे भी मौजूद हैं। वासु, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से नीलाभ शुक्ला जी भी मौजूद हैं। नीलाभ जी, मैं आपके पास लौटता हूं एक अपडेट इस पूरे मामले पर वासु से जरूर ले लिया जाए। वासु, अभी जिस तरह के सियासी बयानबाजियों का ये दौर चल रहा है और अधिकारियों को काफी तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए चेता रहे नेता प्रतिपक्ष, और उसके बाद अब वार पलटवार का ये सिलसिला जारी है, क्या कोई पर्टिकुलर मामला सामने आया था जिसको लेकर के एक्स पर एक पोस्ट किया गया था उमंग सिंघार जी की तरफ से? बिल्कुल, देखिए मध्यप्रदेश में आप विधानसभा चुनावों का समय देखें, 2023 के जो विधानसभा चुनाव हुए, कमलनाथ प्रचार प्रसार करते थे, कांग्रेस के तमाम नेता प्रचार प्रसार करते थे, तो अक्सर ये कहते थे कि कलेक्टर हों या अन्य अधिकारी हों बीजेपी का बिल्ला जेब में रखकर काम कर रहे हैं। यानी कांग्रेस का ये निशाना था कि बीजेपी के लिए जो पूरी अफसरशाही है और जो पूरा कर्मचारियों का जो पूरा कैडर है वो काम करता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसा करने वालों को सरकार बनने पर बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, लेकिन उसके बावजूद ये सियासत जो है वो जारी है, जिसमें अधिकारी कर्मचारी जो है कांग्रेस के टारगेट पर अक्सर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि हमारे कार्यकर्ताओं पर दुर्भाग्य वशपूर्ण जो कार्रवाई है वो की जाती है, पूर्व आग्रह से ग्रसित होकर कार्रवाई की जाती है, भाजपा के इशारों पर कार्रवाई की जाती है, और यही वजह है कि कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हो या अन्य नेताओं, लगातार अधिकारियों को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। और उनका यह कहना है कि अधिकारी कर्मचारियों को जनता के काम करना चाहिए, सत्तारूढ़ दल के लिए नहीं काम करना चाहिए, और इसी पूरे मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को अधिकारियों के सम्मान के साथ भी छोड़कर देख रहा है। इस बीच हमारे साथ नीलाभ शुक्ला जी मौजूद हैं और हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी भी मौजूद हैं कांग्रेस और बीजेपी से क्रमशः। नीलाभ जी, पहला सवाल या पहली प्रतिक्रिया कहूँ मैं आपसे जरूर लेना चाहूँगा, जो एक्स पर एक पोस्ट किया गया उमंग सिंघार जी की तरफ से, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर हैं इस वक्त, प्रदेश के विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी उन पर है, अधिकारियों को सर इतने तीखे शब्दों का इस्तेमाल करना या इस तरह की बात करना, अमूमन ये विपक्ष की तरफ से किया ही जाता है, आरोप हमेशा से लगते आए, ये कोई पहली बार नहीं है, लेकिन एकदम दलाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना क्या आपको उचित लगता है?
भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो अधिकारी है वो निरंकुश विरोध देखकर इससे कहीं इंकार नहीं किया जाता कि नेता और अधिकारियों का गठजोड़ है। अब देखिए इंदौर नगर निगम में एक अरबों का घोटाला हुआ है, लगातार घोटालों की लंबी फेरिस्त होती जा रही भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी का वृहद हस्त हुए बिना ये अधिकारी इतना निरंकुश होकर भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। तो इसमें कहीं ना कहीं नेता और अधिकारी का गठजोड़ है, और निश्चित रूप से कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने चेताया है, अगर इस तरह की घटनाएं होती निश्चित रूप से कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। जनता की गाड़ी कमेगा, दुरुपयोग किया जा रहा है, भ्रष्टाचार की भेंट जो पैसे को चढ़ाया जा रहा है, इस पर निश्चित कांग्रेस एक्शन लेगी। कांग्रेस पार्टी इस पर एक्शन लेगी। पंकज जी वो कह रहे हैं कि दलाली करना या दलाली करने जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना बिल्कुल अब ये तो सख्ती का एक परिचायक बन गया है। देखिए आशीष जी, दो तीन विषय, एक तो कांग्रेस पार्टी में संस्कार दलाली के है। 1952 में नेहरू जी के जमाने से जीप घोटाले की दलाली से लेकर फिर बोफोर्स तक और स्वयं राजीव गांधी जी का यह बयान कि कांग्रेस के राज में 15 पैसे लोग तब पहुंचे, 85 पैसे कांग्रेस की सरकारों के नेता कार्यकर्ता खा जाते थे, कि तब कांग्रेस की सरकारें देश में हुआ करती थी। तो दलाली और कांग्रेस पार्टी हम सब जानते हैं, प्रमाण है, मनमोहन सिंह जी की सरकार गई, भ्रष्टाचार के आरोपों में पूरे देश में एक व्यापक वातावरण था, तो ढेरों प्रमाण है। मैं तो चुनौती देता हूं, असल मूल मुद्दा ये है आशीष जी की ये कांग्रेस को एक तो अपना दलाली का चरित्र नजर आता है, दूसरा कॉम्पिटिशन। अभी जितेन पटवारी ने मध्य प्रदेश के अफसरों को भला बुरा कहा था, उसके पहले कमलनाथ जी कहते थे कि मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी बीजेपी का बिल्ला लेकर चलते हैं। भैया वो जनता जनार्दन की सेवा करते हैं, ब्लू बुक है, एक नियम कायदे प्रक्रिया का पालन करते हैं। यदि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार अराजक हो रही है, अभी कल हमने देखा एक फ्लॉप प्रदर्शन था कांग्रेस पार्टी का, गुंडई दादागिरी, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी अपने चरित्र पर ध्यान दे, अपने आचरण पर ध्यान दे। और हर बार यही आरोप, कोई ये हताशा का परिचय है कि आशीष जी की अपनी गलती देख पा रहे, लगभग एक साल हो गया पटवारी जी को, पटवारी जी के कौन लोग कार्यकर्ता होंगे नहीं पता आज तक, आज कार्यकारिणी घोषित हो रही, कल घोषित हो रही, परसों घोषित हो रही, अब चर्चा है कि पटवारी जी को हटाया जा रहा है, नया अध्यक्ष को लाया जा रहा है, भगवान जाने किसको बनाया न जाने। ये तो खैर अलग विषय हो गया पंकज जी, लेकिन अधिकारियों को टारगेट बनाना और कई बार जब कोई हाथ में नहीं आता फिर मीडिया को सॉफ्ट टारगेट बनाना, ये कई राजनीतिक दलों के चरित्र सा बन चुका है। लेकिन अब इस मामले पर मुझे लगता है कि आने वाले समय में जरूर गंभीरता से विचार सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी करना चाहिए कि ताकि इस तरह से कम अफसरशाही पर सवाल ना उठे, क्योंकि जनता का सीधा जो वास्ता है वो अफसरशाही से पड़ता है, उन अधिकारियों से पड़ता है, और वो अगर इस तरह के दबाव में काम करेंगे तो वो क्या जनता की ठीक तरीके से सेवा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पक्ष और विपक्ष दोनों को मुझे लगता है कि इस बारे में बहुत अच्छे से विचार करके कोई कदम उठाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय निकालने के लिए, बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंदपुरी जी महाराज ने हिंदू समाज को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हिंदू अपनी जनसंख्या नहीं बढ़ाएंगे तो भारत में कई पाकिस्तान बनने का खतरा है। उज्जैन में श्रीमद् भागवत कथा के दौरान उन्होंने कहा कि अगर हिंदू संख्या बल में कमजोर हो रहे हैं तो लोकतंत्र में वही सत्ता में रहेगा जिसके पास वोट्स हैं। और मैं चेतावनी देता हूं कि अगर इसी तरह रहे तो इस भारत में कई पाकिस्तान बन जाएंगे। इसलिए मैं हमारे इस देश की माताओं को हाथ जोड़कर अपील करता हूं और इस भारतवर्ष की रक्षा के लिए उनको प्रण और संकल्प दिलाना चाहता हूं, क्योंकि हम अगर संख्या बल में कम रहे तो अभी तो 240 और फिर 40 रह जाएंगे। और अजय हमारे सहयोगी इस पर बातचीत करने के लिए अब जुड़ गए हैं। अजय, हिंदू माताओं को एक नसीहत एक बार फिर से एक कथावाचक के द्वारा, ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार कई मंचों से और वो भी कथा के मंचों से इस तरह की के संदेश दिए गए हैं। हालांकि जब हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रवक्ताओं से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने एक गोल मोल मिला जुला जवाब यही दिया कि जो संत समाज है, जो कथावाचक हैं, वो समाज को एक बड़े स्तर पर देखते हैं, तो ये उनके देखने का नज़रिया है और वो जो देख रहे हैं वो राजनीतिक रूप से कहना उचित नहीं होगा। जी देखिए, जिस तरीके से पूरे भारत में हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से जो साधु संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने भी इस बात को लेकर अब मोर्चा खोल रखा है। और वही प्रेमानंद जी महाराज जो है वो महामंडलेश्वर, उनके द्वारा
कई पाकिस्तान बन जाएंगे, इसको लेकर चार बच्चे पैदा करें, दो खुद पालें और दो हम लोगों को दें। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस बात को लेकर कितना सियासी रंग चढ़ता है, और आखिरकार राजनेताओं की बात की जाए तो राजनेता इन सब चीजों से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि जिस तरीके से साधु संत अपने मत के द्वारा जिस तरीके से इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस चीजों से बच रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है कि अपने मत का उपयोग करें, बड़ी संख्या में अपना बल बढ़ाए, और इसी को लेकर जब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा तो हिंदू राष्ट्र मजबूत नहीं हो पाएगा, तो इसको लेकर उन्होंने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि माता बहनों को इस पर ध्यान देना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया अजय आपका इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे, रतलाम नगर निगम ने गरबा उत्सव के लिए एक फैसला किया। गरबा उत्सव में फुहड़ गीत अब नहीं बजाए जाएंगे, साथ ही पाश्चात्य ड्रेस पहनकर आने वालों को प्रवेश भी नहीं मिलेगा। नगर निगम ने भारतीय संस्कृति के अनुसार ही ड्रेस पहनकर आने की अपील की है, और यहां 3 से 12 अक्टूबर तक गरबा महोत्सव चलेगा रतलाम में, और इसके लिए कुछ एक आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं, और लोगों को ठीक तरीके से गरबा के कुछ डेकोरम मेंटेन करके आने के लिए भी नियम तय किए गए हैं। 3 से 12 अक्टूबर तक गरबा महोत्सव होना है। नवरात्रि आ रही है, और नवरात्रि में जैसा कि हम जानते हैं रतलाम शहर में परंपरागत रूप से कई मतलब सालों से गरबों का आयोजन होता आ रहा है। गरबों का आयोजन हर वर्ष होता है, लेकिन इस बार मैं सभी से आग्रह करना चाहती हूँ कि जो हम गरबा करवाते हैं, सभी से मेरा करवते निवेदन है कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप गरबे का आयोजन हो, और उसमें जो भी हमारी माताएं बहनें गरबा करने के लिए आती हैं वो भारतीय संस्कृति के अनुरूप परिधान पहने। नवरात्रि आ